मिथिलांचल के लिए आज का दिन इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। वो इसलिए क्योंकि दरभंगा से हवाई यात्रा शुरू हो गई है। जी हाँ, लंबे वक्त के इंतजार के बाद आज से बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट से विमान सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। दरभंगा की धरती पर पहला यात्री विमान 11:05 पर लैंड किया, तो वहीं स्पाइस जेट का विमान SG-496 ने बेंगलुरु से दरभंगा के लिए उड़ान भी भरी है। एयरपोर्ट के शुरू हो जाने से समस्त मिथिला वासियों में खुशी की लहर है, तो वहीं लंबे वक्त के बाद वो अब कम समय में सफर कर सकेंगे। विमानों के लिए टिकट बुकिंग पिछले महीने ही शुरू हो गई थी, तो वहीं दरभंगा से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के हवाई यात्रा के लिए स्पाइस जेट के वेबसाइट पर टिकट बुक करा सकते हैं। वहीं हमारे संवाददाता जब दरभंगा एयरपोर्ट पर गए तो वहां पर उन्होंने यात्रियों से बातचीत की। देखिए कि यात्रियों में किस तरह उनमें खासा उत्साह देखने को मिला, देखिए इस वीडियो को। आई जनाब, मिथिला में ककरो घर में बेटा होइ छै तो बड़ ज्यादा खुशी मनायल जाइ छै। एहिसँ 4 गुना ज्यादा खुशी आइ महसूस भऽ रहल छै, कियाकि मिथिला के एहि धरती पर बहुत दिन से प्रतीक्षारत छलै जे हवाई सेवा शुरू हेतै। मानी जा रही है क्योंकि दरभंगा जैसे शहर में ना कि सड़क है ना कुछ मतलब वैसी कोई व्यवस्था है, जिससे यहाँ तक कि बस स्टैंड की व्यवस्था यहाँ पे नहीं थी। इस माहौल में यहाँ पे एयरपोर्ट मिलने का जो काम हुआ है बहुत बड़ा सौभाग्य है दरभंगा वासियों के ही साथ में मिथिला के और भी शहरों के लिए। अच्छा, क्या लग रहा है आप यात्रा पहली बार दरभंगा से कर रहे हैं? अच्छी लग रहा है, पटना आना जाना पड़ता ट्रैवल के लिए। मुंबई से हम लोग पटना आते हैं, पटना से दरभंगा आते हैं, तो बहुत मतलब रास्ता बहुत लॉन्ग हो जाता है और ये शॉर्ट रास्ता है दरभंगा के लिए, बहुत अच्छा है। कब टिकट लिए थे? सेकंड है 21 को। अच्छा, आपको कैसा महसूस हो रहा है पहली बार आप दरभंगा से फ्लाइट पकड़ने जा रहे हैं? अच्छा। कहाँ के रहने वाले हैं? मधुबनी। कितने का टिकट आया था? 5000 के आसपास। कब टिकट लिए थे? 10 दिन। मिथिला वासियों को कुछ नहीं, ये सिस्टम थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, यहाँ की सरकार जो है सिस्टम अच्छा करना पड़ेगा।